दीपावली बीत चुकी है और अब ठंड का समय आने वाला है और ठंड के समय में खास तौर पर दांतों में सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। इसलिए अभी हम पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल जो रायपुर के कोतवाली इलाके में है और यहां पर आप देख सकते हैं हम डेंटल क्लिनिक के भीतर में हैं और यहां पर दांतों की समस्या जो होती है उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उस पर हम बात करेंगे। और इसके लिए इन पूरे विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर रवि हैं, उनसे डॉक्टर रवि से बात करते हैं। और डॉक्टर रवि हमारे साथ में, दीपावली का समय बीता है, ऐसे में मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने खाई है और अभी ठंड का समय आने वाला है, ठंड के समय में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है ज़्यादा दांतों में, तो ऐसे में क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या ऐसा अपनाना चाहिए लोगों को कि जो प्रॉब्लम होती है उसे बच सके। सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्य रूप से दो प्रश्न आपने किए, एक तो ठंड में सेंसिटिविटी या दांतों की समस्या जो ज़्यादा होती है वो, और दूसरा जो फेस्टिवल सीजन के कारण पेशेंट्स के स्वीट ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है क्योंकि ना चाहते हुए भी स्वीट कंजम्पशन इस समय में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने देखा है जो मेनली प्री डायबिटिक या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका शुगर कंट्रोल इस समय थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बोलूँगा कि कोशिश करिए कि अपन शुगर लेवल को कंट्रोल रखें, एंड यदि बढ़ भी जाता है और नहीं कंट्रोल कर पाते तो उस समय हम दांतों की सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें। सबसे पहले अपन बात करते हैं ठंड और दांतों में दर्द की। जो दांतों के दर्द की कोशिका होती है जिसे हम फ्री नर्व एंडिंग कहते हैं, फ्री नर्व एंडिंग मुख्य रूप से कोल्ड के लिए ज़्यादा संवेदनशील होती है। जब ठंड पड़ती है तो वह ज़्यादा संवेदनशील होने के कारण दर्द का एहसास कराती है। दूसरा सेंसिटिविटी, डेफिनेटली जिनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, ठंडी हवा चल रही है, जब वो सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनको ठंडा गर्म ज़्यादा लगता है, तो इस समय में उनको डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट जो वो यूज़ करते हैं, ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, उनको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। उसको यूज़ करने के बाद में गर्म पानी का कुल्ला करना चाहिए। दांतों में हम जब भी खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ खाना हर दांतों में फंसता है जिसे हमें बहुत अच्छे से कुल्ला करके हटाना चाहिए। इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है, जब हम खाना खाते हैं खाना अंदर फंसता है और ओवर फ्यू आवर्स उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है। जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो एसिड प्रोड्यूस करती है और उस एसिड के कारण अगेन हमें सेंसिटिविटी या दांतों में दर्द का जो अनुभव है वो ज़्यादा होता है। तो हम मुख्य रूप से ठंड के मौसम में बोलते हैं कि जिन्हें सेंसिटिविटी की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो टूथपेस्ट यूज़ करने के बाद गर्म पानी का अच्छे से कुल्ला करें। यदि उसके बाद भी आपकी सेंसिटिविटी ठीक नहीं हो रही है तो अपने नज़दीकी डेंटल डॉक्टर्स के पास जाके उनकी सलाह लें। और जो डायबिटिक और प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं वह अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखने की कोशिश करें। यदि कुछ समय के लिए शुगर लेवल बढ़ गया है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट हमारे दांतों की साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान रखें। साफ़ सफाई से मेरा अर्थ मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। सुबेरे ब्रश कुल्ला मसाज हमको अच्छे से करना है, हम माउथ वॉश या गर्म पानी का कुल्ला कर सकते हैं। रात को हमें ज़रूर ब्रश करना है, जनरली हम रात का ब्रश अवॉइड कर देते हैं, हमें ज़रूर ब्रश करना है। एक तो मरीज़ की शुगर बढ़ी है, उसके बाद अगर मुंह में खाना फंसे रहेगा तो उसके बाद उसमें अगेन बैक्टीरियल ग्रोथ होगी और उसको पायरिया संबंधी समस्या बढ़ सकती है। यदि पायरिया एक बार बढ़ जाता है तो अपने प्रोफेशनल क्लीनिंग या डेंटल डॉक्टर से, एक्सपर्ट से सलाह लें और उसके कथानुसार हमें जो भी ट्रीटमेंट एडवाइज होता है वो करना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से हमें इस मौसम पर ध्यान रखना है। इसी टाइम पर एक चीज़ और समस्या होती है, जैसे कुछ लोगों की दांतों में शुरुआत होती रहती है, हम जब किसी भी चीज़ को खट्टा, इस टाइम पे अगर खट्टी चीज़ें कुछ खाएं तो दांतों में सुसराहट सी महसूस होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं ऑलरेडी, जैसे कि किसी ने अपने दांतों में ट्रांसप्लांट करवाया है या फिर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है ऑलरेडी, उनको भी किस तरह से बचाव रखना चाहिए, उसकी क्या समस्याएँ हो सकती हैं? इसमें मुख्य रूप से हमारे जो दांत होते हैं वो तीन लेयरों से बने रहते हैं। जो पहली लेयर होती है इनेमल की लेयर होती है, जो इनर्ट लेयर होती है, लगभग 96% उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कैल्शियम आप आमतौर पे समझ सकते हैं वो रहता है, उसमें कोई हमारी संवेदन की नसें नहीं होती। यदि किसी का इनेमल पोर्शन घिसा हुआ है, जैसे कोई सुपारी खाता है या ब्रश बहुत ताकत लगा के कर रहा है, अच्छे से नहीं कर रहा है और उसके इनेमल लेयर घिस गई, उसके नीचे रहता है डेंटिन। डेंटिन लेयर में डेंटिनल ट्यूब्यूल होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आप समझ सकते हैं एक स्पंज के जैसी होती है जिसमें हमारी फ्री नर्व एंडिंग्स होती है, उसमें फ्लूइड्स होता है जो ठंड में ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। तो उसका हमें प्रोफेशनली जो फीलिंग्स है या रूट कनाल है वो हमें
करना चाहिए, उसे बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि दांतों का दर्द एक बार हो जाता है तो मरीज को 3-4 दिन वो तकलीफ देता है। दूसरा, यदि दांतों का दर्द है तो वो हार्ड बाइट नहीं खा पाएगा। हम डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं कि आपको रॉ फूड खाना है, मल्टीग्रेन रोटी खाना है, लेकिन उसके दांतों में दर्द हो गया, वो मल्टीग्रेन रोटी नहीं खा पाएगा, तो उसका शुगर कंट्रोल कैसे होगा? उसको फोर्सफुली सॉफ्ट डाइट में जाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट डाइट में जाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये समस्या आने से पहले ही हम इसमें इससे निजात पा सकते हैं। ठंड में हमें एक डेंटल क्लीनिंग या जो प्रोफेशनल एडवाइस है वो ज़रूर लेनी चाहिए।